देखो इफ आई एम एन 0 to 1 टी रेस टू पावर एम इंटू 1 प्लस टी रेस टू पावर एन डी टी देन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर आई एम एन इन टर्म ऑफ इस टर्म में आंसर इसको सॉल्व करना है, मतलब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को, और इस टर्म में लेके आना है। देखो ये 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 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाय पार्ट लगा देते हैं, ठीक है ना, उससे ये चीजें आ जाएगी, है ना। तो अब इसको मैंने फर्स्ट लेट किया, इसको सेकंड लेट किया, देखते क्या होता है, ठीक है ना। बाय पार्ट सबको आता है भाई, बाय पार्ट तो सबको आता है। u into v ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, है ना। ये क्या होता है, ये होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस v सॉरी डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v और dx और होल dx, ये सबको आता है, ठीक है। आता 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 ठीक है। अब उसके लिए लगा रहा हूं, बाय पार्ट लगा रहा हूं, तो कैसे लगाऊंगा, देखो i m n, ठीक है, इक्वल टू ये फर्स्ट है, इसका मतलब 1 प्लस टी रेस टू पावर एन में से ही रहेगा। देखो u फर्स्ट, फिर v का इंटीग्रेशन होगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन होगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, टी रेस टू पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन टी रेस टू पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, ये आ गया प्लस वन, ये आ गया 0 to 1 तो ये होगा माइनस, ठीक है। देखो 0 to 1, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये जो फर्स्ट होता है उसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ये, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा एन और 1 प्लस टी रेस टू पावर क्या, 1 प्लस टी रेस टू पावर एन माइनस 1, और फिर यही इंटीग्रेशन वापस होगा। देखो जो इंटीग्रेशन यहाँ होता है वही रिपीट होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, टी रेस टू पावर एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, और ये डी टी। देखो इसमें आप लिमिट रख सकते हो, जैसे लिमिट रखोगे तो यहाँ तो 1 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2, तो 2 रेस टू पावर एन डिवाइडेड में क्या लिखा है एम प्लस एन। अच्छा उसके बाद ये माइनस, ये लिखो माइनस। अब देखो ये वाला एन और ये एम प्लस एन, तो ये वाला एन और एम प्लस एन ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है 0 to 1। तो देखो क्या है मेरे पास, ये वाला है ना टी रेस टू पावर एम प्लस वन और 1 प्लस टी रेस टू पावर क्या है एन माइनस 1 डी टी। अब ये बताओ कि क्वेश्चन जब ये था आई एम एन, तो टी रेस टू पावर एन, वन प्लस टी रेस टू पावर एन, और अगर ये देखा जाए तो क्या है, देखो अगर तुम देखा जाए तो ये वाला आ गया एम प्लस एन, देखो ये एम प्लस एन, ये एम प्लस एन, फिर एम माइनस एन, मतलब इसकी पावर क्या थी एन था, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या थी एन थी, तो यहाँ कितनी एन माइनस एन, इसका मतलब इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या आ गए आई 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 लिख दिया मैंने एम प्लस एन और एन माइनस एन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आंसर क्या है, बोलो 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 बोलो, कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर, ये आंसर।